अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो है यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हवाले से। आज मैं आपको इंतहा इजी तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने किस ऐप से किस लिंक से आपने यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट की तैयारी करनी है। ऐसा इंतहा इजी तरीका होगा कि आप 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट पास कर सकेंगे। बेशक आपकी एजुकेशन अंडर मैट्रिक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, फिर भी इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट पास कर सकेंगे। और कुछ आपको कॉमन साइंस भी बताऊंगा जो कि मोस्टली यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट में उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उनकी पहचान होनी चाहिए, चाहे आप यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर रोड यूज़र हैं, या कह सकते हैं कि इसके अलावा ड्राइवर हैं। डेली रूटीन में ड्राइविंग में ये जो कॉमन साइंस हैं ये आपको ज़रूरत पड़ते हैं, वो तमाम तक डिटेल और कंप्लीट इसकी डिटेल यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट की आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। 16 स्टार। सबसे पहले तो आपको बताता चलो कि यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट ज़रूरत कब पड़ता है। यूके में जब भी आप यूके का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको दो टेस्ट पास करने होते हैं। नंबर एक है यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट और दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट। दोनों टेस्ट पास करेंगे तो यूके में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और आप ड्राइव कर सकेंगे। आज बात करेंगे यूके की ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हवाले से कि इसमें क्या है। यूके की ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट की जो फ़ी है 23 पाउंड है। आपने जब भी इसको बुक करना है यूके की ऑफिशियल वेबसाइट जो यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हवाले से है DVS से, वहां जाके आपने बुकिंग करनी है। इसकी जो राइट अमाउंट है बुकिंग के लिए 23 पाउंड है। काफ़ी सारे वहां और भी वेबसाइट्स हैं, एजेंट बैठे हैं जो कि ज़्यादा आपसे कास्ट मांगते हैं, इसकी मतलब ज़्यादा चार्ज करते हैं। आपने 23 पाउंड में बुक करना है और यूके की ऑफिशियल वेबसाइट ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हवाले से DVS से जाके बुकिंग आपने करनी है। सबसे पहले तो आपको कुछ साइंस बता देता हूँ, इनके हवाले से भी 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ये ज़रूर आपको इनकी पहचान आनी चाहिए क्योंकि ये यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आते हैं ये मतलब बेशक आप यूके में लर्नर हैं, थ्योरी टेस्ट पास करना चाहते हैं या फिर आप ड्राइवर हैं, ये डेली रूटीन में आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनकी पहचान बहुत ही ज़रूरी है और इसके हवाले से भी 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको राइट आंसर करने होते हैं, इसलिए इनको ज़रूर याद रखिए। इसके अलावा यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं। नंबर एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा हैजर्ड परसेप्शन। दोनों पार्ट पास करते हैं तब जाके आपकी यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट पास होती है। इनमें से एक पार्ट भी पास हो फेल हो जाए तो आपकी यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट फेल हो जाती है। पहला पार्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता था पहले केस स्टडी था, वो उन्होंने रिमूव करके 3 मिनट की वीडियो डाल दी है जिसमें आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 49 जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इस पार्ट में। टोटल जो होते हैं 50 होते हैं, उनमें से 43 के राइट आंसर देने होते हैं। मल्टीपल चॉइस पार्ट में आपको 43 के राइट आंसर देने होते हैं। और दूसरा है हैजर्ड परसेप्शन, उसमें 1 मिनट का एक क्लिप होता है, 14 क्लिप्स होते हैं, 75 मार्क्स होते हैं, टोटल 44 पासिंग मार्क्स हैं। ये दोनों पार्ट पास करेंगे तो आपकी यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट पास होगी। पहला जो पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको 50 में से 43 के राइट आंसर देने होते हैं, उसकी तैयारी आपने इस ऐप से करनी है। ये ऐप डाउनलोड कीजिए, 5 से 7 दफ़ा इसको रिपीट कीजिए। बेशक आपकी एजुकेशन भी कम है, यकीन जानिए आप पास कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। बुक से आपने तैयारी नहीं करनी, बुक आपको बोरिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा मतलब, तो उससे तैयारी नहीं होगी। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ में अगर फ्री प्रैक्टिस करनी है तो आप गूगल में जाके लिखें यूके ड्राइविंग थ्योरी फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे। ये एक लिंक है, इस पर बहुत ही अच्छे और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है, पूरी बुक नहीं है। इसको भी 5-7 दफ़ा आप रिपीट कर लें तो यकीन जानिए 100% इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पास करेंगे। और दूसरा हैजर्ड परसेप्शन, 14 क्लिप्स होते हैं एक एक मिनट का, वो आपने यूट्यूब पे जाएं आप एक उसकी वीडियो देखें, वो बहुत ईजी है, वो मोस्टली पास हो जाता है हैजर्ड परसेप्शन। इसके 75 मार्क्स होते हैं, 14 क्लिप्स होते हैं, एक एक मिनट का क्लिप होता है और इसके 44 मार्क्स आपने लेने होते हैं पासिंग मार्क्स। हैज़र्ड परसेप्शन में क्या होता है कि आपको एक कार दिखाई जाती है जो आप ड्राइव कर रहे होते हैं, लेफ्ट पे राइट पे या फ्रंट पे किसी किस्म का कोई भी खतरा आता है, हैज़र्ड आता है लाइक, तो आपने क्लिक करना होता है। वो आप यूट्यूब पे एक क्लिप देखेंगे हैज़र्ड परसेप्शन का तो ये आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत ईजी है। ज़्यादा फोकस आपने करना है मल्टीपल चॉइस जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं, 43 के राइट आंसर देने होते हैं।
इस ऐप और इस लिंक से जो मैंने आपको बताया, इससे अगर तैयारी करेंगे तो 100% बहुत ही इजी वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये पास कर सकेंगे। ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए और पास कीजिए। यूके में यूके ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए। अगर आप यूके में रहना चाहते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके पास यूके में यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके पास समझ लें यूके की हाफ नेशनैलिटी है, इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। फॉर एवर के लिए आपका जॉब का मसला खत्म हो जाता है अगर यूके में आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है। एटलीस्ट कुछ भी ना हो तो आपको छोटी मोटी डिलीवरी की जॉब भी मिल जाती है गुजारा करने के लिए, मतलब अगर और कुछ ना भी मिले, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। चाहे आप मर्द हैं औरतें हैं, ज़रूर यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए। स्पेशली अपने जो एशियन लोग हैं, मोस्टली ये होता है एशियन कल्चर में कि औरतें घर में होती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, घरों को देखभाल करती हैं, और मर्द बाहर जाके जॉब करते हैं, कमा के ले आते हैं। लेकिन इससे मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है मर्द पे ही। वो छोटे छोटे जो काम काज होते हैं वो भी औरतें उन पर डिपेंड करती हैं। आपको वो ज़रूरत नहीं है उनका वेट करने का या हस्बैंड का डिपेंड, मतलब उन पर डिपेंड करने का अपने छोटे मोटे काम काज के लिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आप अपने बच्चों को स्कूल में पिक ड्रॉप कर सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, ग्रोसरी के लिए जा सकती हैं, मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए खुद जा सकती हैं। इससे मतलब जो हस्बैंड पे इतना ज़्यादा बर्डन होता है वो भी इजी हो जाएगा, आपकी लाइफ भी इजी हो जाएगी, और आप अपने छोटे मोटे काम काज के लिए हस्बैंड पे ही डिपेंड नहीं करेंगी। इसलिए आपको भी ज़रूर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए, जिससे आप दोनों की लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ की, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोई यूके ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हवाले से आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हैप्पीली आपकी हेल्प करूंगा। आप मेरी इंस्टा की आईडी पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय।